और अब खबरें अंडमान से। पोर्टब्लेयर शहर के अबरडीन बाजार इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस महीने के 2 तारीख को अबरडीन बाजार इलाके को करीब 2 घंटे ट्रैफिक फ्री जोन में तब्दील किया गया था और यातायात पुलिस यूनिट के अधिकारियों ने इन 2 घंटे तक अबरडीन बाजार के अंदर किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया था। अबरडीन बाजार को ट्रैफिक फ्री जोन में तब्दील करने की यातायात पुलिस की इस पहल को शहर के लोगों ने, यहां तक कि अबरडीन बाजार इलाके में रहने वाले लोगों ने काफी सराहा था और लोगों ने आगे शहर के यातायात पुलिस यूनिट से इस पहल को जारी रखने की मांग की थी। इस पहल को यातायात पुलिस आगे जारी रखेगी या नहीं, ये सवाल जब हमने ट्रैफिक पुलिस यूनिट के पुलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे से पूछा तो उन्होंने कहा कि विभाग इस बारे में लोगों की फिलहाल प्रतिक्रिया ले रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक शहर और इलाके के लोगों ने तो इसे एक अच्छा कदम बताया, लेकिन व्यावसायिक समुदाय से जुड़े लोगों की तरफ से नकारात्मक टिप्पणी मिली है, क्योंकि उनका कहना है कि इस पहल से उनके व्यापार में थोड़ा असर पड़ा है। पुलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे ने आगे कहा कि इस बारे में यातायात पुलिस यूनिट और गहराई में जाकर सोचेगी और फिर जाकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। हम इसका इम्पैक्ट तो सही किया है, बट हम फीडबैक ले रहे हैं, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का फीडबैक जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा है। लोगों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें वहां चलने में रहने में आने में काफी सुविधा रही, लेकिन वहां के थोड़े रेजिडेंट्स हैं, वहां के होलसेल बिजनेसमैन जो है एसोसिएशन है उनकी तरफ से थोड़ा नेगेटिव कमेंट आया है कि उनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 2 घंटे के लिए था, पर लिमिटेड टिकट एक ही दिन किया था, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है हम अभी फिर चली करके आगे से सोचेंगे कि इसको एक्सटेंड करना है, अगर करना है तो किस रूप में इसको एक्सटेंड करना है। जो हमने ओरिजिनल किया था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके करना है या उसी फॉर्मेट में करना है, ये अभी चली करके हम इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले लेंगे।